श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय माता दी, राधे राधे। आज इस वीडियो में शरद पूर्णिमा व्रत की दिव्य कथा का श्रवण करेंगे। अब भले ही आप व्रत ना कर पाएं, परंतु इसकी पूजा जरूर करें और कथा का श्रवण जरूर करें, जिससे कि कष्टों का निवारण हो और मनोकामना पूर्ण हो। 2022 में 9 अक्टूबर के दिन शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है। इस व्रत को कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा आदि जो है अलग अलग क्षेत्रों में नाम से पुकारा जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसे में आप सभी गौ के गाय के शुद्ध देसी दूध से जो है खीर का निर्माण करके चंद्रमा की रोशनी में रखिएगा और उसे जो है वितरित करके प्रसाद के रूप में खाइएगा। इससे समस्त कष्टों का निवारण होता है। तो देर न करते हुए कथा का श्रवण करते हैं। मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आरंभ करते हैं। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को दो पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत करती थी, परंतु जो बड़ी वाली थी वह बहुत मन से इस व्रत को करती थी, बहुत अच्छी तरह से इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया करती थी, जिसके प्रताप से उसका जीवन बहुत सुखमय था और हर एक तरह से वह सुखी थी। परंतु जो छोटी वाली पुत्री थी वह पूर्णिमा का व्रत अर्थात शरद पूर्णिमा का व्रत आधा अधूरा करती थी, बेमन से करती थी, पूजा भी बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पाती थी। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि देखा देखी मैं व्रत किया करती थी कि बड़ी बहन कर रही है तो मैं भी इस व्रत को कर लेती हूँ। इसका परिणाम क्या हुआ कि छोटी पुत्री जो कि बहुत अधिक जीवन में दुखी रहा करती थी, संतान सुख उसे नहीं था और रोग इत्यादि से भी परेशान रहती थी, और जो संतान होती थी वह हमेशा रोग इत्यादि से ग्रसित होती थी और होते ही मृत्यु को वह प्राप्त हो जाती थी। इस कारण से उसने दुखी होकर पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम जो पूर्णिमा का व्रत करती हो उस व्रत में बहुत अधिक गलतियां करती हो। उस पूर्णिमा का आपको व्रत का फल न मिलते हुए उस व्रत का आपको आधा फल मिलता है और उल्टा फल मिलता है। इस कारण से इसका जो दोष है वह तुम्हारी संतान को प्राप्त होता है। इस कारण से तुम्हारी संतान तो होती है परंतु वह कहीं ना कहीं रोग और दोष से घिरी हुई होती है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करोगे तो तुम्हें जो है पूर्णिमा का पूरा फल मिलेगा और तुम्हारी संतान को भी इसका सुख मिलेगा और संतान लंबी उम्र की होगी। उसने पंडितों की सलाह पर दोबारा से पूर्णिमा का व्रत पूर्ण विधि विधान से और पूरे विश्वास से किया, जिसके बाद उसे पुत्र प्राप्त हुआ। परंतु जो पिछले समय में उससे गलतियां हुई थी उसके फलस्वरूप उसने उसका पुत्र तो हुआ परंतु वह थोड़े समय के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसने लड़के को एक पाटे अर्थात पीड़ा, जिसे चौकी कहा जाता है, उसको उस पर उसे लिटाकर ऊपर से कपड़े से ढक दिया और रोती रोती बड़ी बहन को बुला लाई और बहन से कहा कि इस पर बैठ दे। वही पाटा दिया जिस पर वह मृत्यु को के बाद अपने पुत्र को सुला कर गई थी। परंतु बड़ी बहन जो कि प्रतापी थी, बहुत धार्मिक थी, जिस भी कार्य को करती थी बहुत मन से करती थी और पूर्ण विश्वास से करती थी। उसका व्यक्तित्व जो है बहुत अधिक प्रभावशाली हो गया था। इस कारण बड़ी बहन ने जब उसे पर बैठने लगी तो उसका घाघरा जो है अर्थात उसकी साड़ी, उसका घाघरा, उसके वस्त्र जो है उस बच्चे को छू गए। बच्चा वस्त्र छूते ही तुरंत रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम तो मुझे कलंकित करना चाहती थी, अगर मैं बैठ जाती तो इस बच्चे को कुछ हो जाता और यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से वह जीवित उठा, तेरे पुण्य से ही यह जीवित उठा है। उसके बाद जो है वह संतान तुरंत उसको छूने से ही उस बड़ी बहन के द्वारा, उसके पुण्य प्रतापों के द्वारा जीवित होकर पूरी लंबी उम्र जिया और उसके रोग दोष थे वह तुरंत समाप्त हो गए। इसके बाद दोनों बहनों ने पूरे नगर में इस बात का ढिढोरा पिटवाया कि पूर्णिमा व्रत को करने से जीवन इतना प्रभावशाली हो जाता है, संतान जो सुख जीवन में नहीं हो रहा हो वह जो है प्राप्त होता है। ऐसा कहकर पूरे शहर में, पूरे नगर में इस बात की चर्चाएं फैलाई गई, जिसके कारण
पूजा पाठ का अपने आप में फल मिलने लगा। समस्त जन जो है पूर्णिमा का व्रत करने लगे। इस तरह से जो है इस व्रत की कथा है। जो व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत करता है संतान सुख अखंड सौभाग्य इत्यादि प्राप्त होता है और साथ ही जीवन में दुख तकलीफों का अंत होता है। ऐसे में आज इस कथा का श्रवण किया, वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। अंत में मेरे साथ सभी व्यक्ति बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हर हर महादेव। जय माता।